सो गाइस, ये रहा इनफिनिक्स GT20 Pro। इस पर आज अपन BGMI गेम प्ले टेस्ट करते हुए बात करेंगे आखिरकार ये डिवाइस BGMI के लिए वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं। डिवाइस का प्राइस आपको 25,000 रुपये के आसपास देखने को मिलता है और 25,000 रुपये के आसपास Flipkart, Amazon पर अच्छे अच्छे फ़ोन अवेलेबल है, बिकॉज ये भी सोचने वाली बात है। सो गाइस, GT20 Pro को लेकर मैं सीधे पहुंचा मेगा फ्यूजन वाले इस इवेंट के ऊपर और पहली बार मुझको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आपके बराबर एक वोट आया। वैसे भाइयों, इस वीडियो पर आपका वेलकम है। बिल्कुल वेलकम है। इस वीडियो पर आज अपन बात करने वाले हैं कि ये डिवाइस आखिरकार BGMI के लिए वर्थ इट है या फिर नहीं, क्योंकि डिवाइस 25,000 रुपये के आसपास आता है और इसी प्राइस रेंज पे पोको एंड IQ के अच्छे अच्छे फोन भी आते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, डिवाइस 120fps को BGMI के अंदर सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब भी BGMI 120fps का ऑप्शन लाएगा तो ये डिवाइस 120fps पर चल जाएगा। और इसका प्रूफ ये है कि पबजी मोबाइल पर ये डिवाइस 120fps ऑलरेडी चल रहा है इस अपडेट पे। यहाँ से आगे पहुँचा सीढ़ियों के आसपास, मुझे एक बंदे का साउंड आया। वैसे भाइयों, ये दो बंदे थे, दोनों खत्म। वैसे गेमिंग फोन के लिए 5 चीजें डिवाइस के अंदर होनी चाहिए। जिसमें से पहली चीज डिवाइस का चिपसेट भाई अच्छा होना चाहिए, जो कि गेम के FPS अच्छे से चलाए। ये डिवाइस अपने साथ डायमंड सिटी 8200 का अल्टीमेट चिपसेट लेकर आता है और ये चिपसेट डिवाइस के अंदर अच्छा खासा ऑप्टिमाइज है और ये चिपसेट डिवाइस के साथ N22 बेंचमार्क में 9.5 लाख के आसपास स्कोर करता है। जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये चिपसेट अच्छा चिपसेट। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आवाज आपको हल्की सी चेंज लगेगी क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एक बिन बुलाया वायरस घुस चुका है, सर्दी खांसी वाला। यहाँ से आगे भाई साहब बोट आया हुआ था, बोट की बनाया पेटी। सो इस बोट की पेटी बनाने के बाद बढ़ते अपन आगे दूसरे रीजन की तरफ। उससे पहले मुझको एक बंदा नजर आया था, जेटपैक लगा के उड़ रहा था। तो दूसरा रीजन होता है रैम टाइप। तो एक गेमिंग फोन के अंदर रैम टाइप होना चाहिए LPDDR5 या फिर 5X, और ये डिवाइस LPDDR5X रैम के साथ आता है। तो दूसरा रीजन भी भाई साहब सक्सेस हो जाता है डिवाइस को लेकर। अंदर एक बंदा छुपा हुआ था, ये साला कैंपिंग कर रहा था, बंदी की बनाया पेटी। यहां से आगे तीसरा रीजन, लेकिन भाइयों उससे पहले एक बंदा नजर आ गया था, ये बंदा भी कैंपिंग कर रहा था। और तीसरा रीजन स्टोरेज, कम से कम डिवाइस की स्टोरेज 3.0 से ऊपर होना चाहिए। वैसे ही डिवाइस 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, जो कि ठीक है। वैसे 2-3 बोट आए हुए थे, तो इन बोटों की पेटी बनाकर मैं पहुंचा रिकॉल टावर के पास। मुझे यहां से स्प्रेबाजी का साउंड आ रहा था, नीचे गाड़ी है और ये बंदे सामने रुक चुके हैं। भाई साहब, चौथा रीजन बताने से पहले इन बंदों की पेटियां बनाते अपन। स्क्वाड का पहला बंदा नॉक फिनिश, दूसरा बंदा कोंटे से स्प्रेबाजी कर रहा था, सामने भाई साहब चिमनी फेंका, एक बंदा भागा, मैं नीचे आया। सो वो फनी वाली वॉइस मेरी ना जाने शरीर के अंदर क्यों घुस के बैठ गई है, रूठी रूठी सी चल रही आजकल। ये बंदा नीचे कूद गया था, वैसे ये बंदा गन वगैरह स्विच करने पे माहिर था। सो ये वाला स्क्वाड खत्म करने के बाद मैं पहुंचा वापस दूसरे वाले हॉट ट्रप पे। वैसे मैं यहाँ पर आया 15 किल लेके, आई विल मेट 15 किल्स इनसाइड आउटसाइड दिस हॉट ट्रप। सो गाइस, चौथा रीजन होता है डिवाइस के अंदर बैटरी एंड चार्जर। सामने एक बंदा लूटिंग पेटी,
अरे बाप रे, ये साला बहुत तेजी के साथ पेटी लूट रहा था। उसके ऊपर एक और बंदा बैठा पड़ा है। तो इस पंदे को डैमेज करने के बाद मैं जाता हूँ पीछे से रोटेशन लेके इस पंदे के पास। वैसे हाँ, गेमिंग फोन के अंदर आपको कम से कम 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलना चाहिए, उसके साथ चार्जर 70 वोल्ट के आसपास तो मिलना चाहिए। वैसे ये डिवाइस 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, लेकिन चार्जर भाई साहब 45 वोल्ट का ही मिल पाता है डिवाइस पे। वैसे इस डिवाइस पर बैटरी तो अच्छी खासी है, लेकिन चार्जर भाई साहब थोड़ा सा वीक मिलता है। वैसे भैयो, सामने वाले बंदे के पास TVS है और ये बंदा गलती से नीचे आ गया। TVS 5, ये नॉक फिनिश। इस पंदे की पेटी बनाने के बाद मेरे इस मैच पर 17 किल हो चुके हैं और टोटल इस मैच पे कुल 20-22 पंदे बचे हुए हैं। मैं चहका इस जैक पैक को लगा के छत पे आया। नीचे वाले घरों पर मुझे बंदे नजर आए, जिसमें से एक बंदे को नॉक किया और इस बंदे के टीममेट मेरे ऊपर सटीक तरीके से स्प्रे बाजी कर रहे थे। हाल फिलहाल यहाँ से आगे हीलअप किया। हीलअप करने के बाद यहाँ से आगे जाऊँगा रोटेशन लेकर। ये पीछे एक और बंदा आया। वैसे इस पंदे को डैमेज किया हमारे भाई ने। और हाँ, पांचवा रीजन, डिवाइस पर आने वाला सॉफ्टवेयर। वैसे भाई लोग, गेमिंग फोन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर पर ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं रहना चाहिए। एकदम क्लीन UI गेमिंग फोन पर रहती है। स्पेशल गजब स्पीड, बंदों ने हम पे रश कर दिया यहाँ पर। ये नीचे वाला स्प्रेबाज, इसको पकड़ा। इस पंदे को पकड़ने के बाद सुकून के साथ हीलअप कर लेता हूँ। उससे पहले एक और बंदा नजर आया था और इस पंदे ने हमारे भाई को पकड़ लिया था। हमारे भाई के पास भाई साहब हेल्थ किट, मेरे कहने का मतलब ऑटो रिवाइवल वाली किट है नहीं। ये कंटेनर के पीछे एक बंदा स्प्रेबाजी कर रहा है छुपके। बाजी करते करते यहाँ से वहां भाग रहा था। वैसे भाई लोग, गेमिंग फोन के अंदर जितनी चीजें रहनी चाहिए, ये डिवाइस चार्जिंग को छोड़कर सभी चीजें प्रोवाइड करता है। वैसे भाई लोग, डिवाइस को आप परचेज कर सकते हो, लेकिन भाई साहब उससे पहले आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। जैसा कि डिवाइस भाई साहब रिकॉर्डिंग के दौरान लैग तो नहीं करता? ये डिवाइस रिकॉर्डिंग के दौरान लैग तो नहीं करता है, लेकिन डिवाइस का स्क्रीन रिकॉर्डर सिर्फ 60 FPS पर गेम प्ले को रिकॉर्ड करवाता है। आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको डिवाइस पे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी या फिर लैपटॉप को यूज करना पड़ेगा। यहाँ से आगे दूसरी चीज, हीटिंग इश्यू। जब जब डिवाइस हीट होता है, ऑटोमेटिक डिवाइस के FPS गिरते हैं, बिल्कुल रेंडर वगैरह होता है और ये डिवाइस हीटिंग इश्यू करता है। बिल्कुल डिवाइस पर भाई साहब हीटिंग इश्यू आपको नजर आएगा, लेकिन अगर आप इस डिवाइस के पीछे कूलिंग पैड को यूज करते हो तो डिवाइस हल्का पुल्का कम हीट करता है, लेकिन ठीक है। वैसे डिवाइस अभी जितने FPS दे रहा है, और अगर आप कूलिंग पैड को यूज करते हुए गेम प्ले को खेलते हो तो कुछ इतने ही FPS आपको आपका डिवाइस मीन्स GT20 Pro दे देगा। इस घास के ढेर के पीछे ये साला कैंपिंग कर रहा था, तवा मार के पेटी बनाया इसकी। वैसे भाइयों, ये डिवाइस अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो डिवाइस आपको कम से कम 23,000 रुपए के आसपास, बिल्कुल 23,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। वैसे एक बंदा उड़ता सलमान खान बन रहा था। इस पंदे को मैंने हवा में नॉक किया। इस पंदे को पकड़ने के बाद मुझे सामने वाली रिस्से स्प्रेबाजी का साउंड आया। मेरे ख्याल से वहां पर दो स्क्वाड के बंदे आपकी भाईचारा खराब कर रहे हैं। मैं आगे जाके भाई साहब इनका भाईचारा खराब होने नहीं दूंगा। मैं पहुंचा इस रिस्से, सो एक किल मिस। ये स्क्वाड खत्म।
तो ये वाली स्क्वाड की पेटी बनाने के बाद मेरे इस मैच पर 26 किल्स मतलब 26 किल हो चुके हैं, जिसके चलते आपको ये भी समझ में आएगा कि डिवाइस की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर अच्छी खासी है। डिवाइस भाई साहब 90 FPS की समथिंग FPS बिल्कुल निकाल दे रहा है। उड़ता सलमान खान, ये बंदा खत्म। सो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद 28 किल मैंने इस मैच पे कंप्लीट किया और पहुंच गया भाई साहब आखिरी वाले बंदे के पास। ये सामने वाली झाड़ी से गजब सीन। अरे इसको वो ऊपर मेरे को नहीं। अरे स्पेशल दुख साला, नेटवर्क हल्का सा ऊपर पीछे हुआ था। खैर छोड़ो, डिवाइस की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर अच्छी खासी है। ये डिवाइस आपको 25,000 रुपये के आसपास फ्लिपकार्ट के अंदर मिल जाता है, जो कि भाई साहब वर्थ इट है। बिल्कुल ये डिवाइस वर्थ इट है, लेकिन इस टाइम पे आपको डिवाइस के साथ जो गेमिंग टूल्स मिल रहे हैं खेलने के लिए वो नहीं मिल पाएंगे। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।